हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, लिटरली ये वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीजन 13 के सारे लीक्स दिखाने वाला हूँ। एंड आई एम गोइंग टू से कि वो किससे रिलेटेड है। सो इसका क्रेडिट जाता है डार्क स्क्वाड गेमिंग को। एंड गाइस, जो भी चैनल पे नए हैं, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टू द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारे सामने है कि रॉयल पास। रॉयल पास के अंदर ये रहा हमारा रॉयल पास, जो बहुत ही मतलब एक अलग ही तरह का लुक है, जो बहुत ही मसला है। नेक्स्ट में वो तो ये है रहा हमारा जो मिशन पास करने के लिए जो कार्ड आता है, ये भी एक ब्लू थीम में है। देन ये रहा हमारा रॉयल पास का जो आइकन होता है। ओके, देन नेक्स्ट में मूव टू द अवतार। सो गाइस, बेसिकली मेरे को दो अवतार यहाँ पे देखने पड़े। सो पहला जो अवतार है वो है कार्लो, एंड इसको मतलब एक ड्रेस बहुत यूनिक है इसकी। एंड द नेक्स्ट अवतार इज द एंडी, जो ये रहा। तो इसकी ड्रेस मतलब एक बहुत पुराने जमाने में पहनते थे ना ब्रिटिश लोग, वैसे लग रही है। ओह नो, लेकिन एनीवेज, देन वी मूव टू द अवतार आउटफिट। सो गाइज, इन द अवतार आउटफिट ये रहा है हमारा एमवीपी का अवतार, जो एंडी का है, जैसे कि सबको पता है ये वाला आउटफिट। देन नेक्स्ट ये एक वाइटिश कलर में एक आउटफिट है, वाइट एंड रेड रेड स्ट्रिप्स के साथ। सो द नेक्स्ट आउटफिट इज ये रहा, ये एक येलो है एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन है विथ वाइट स्ट्रिप्स है। ये एक मस्त लगे क्लासिक के लिए। एंड ये एक मतलब येलो एंड अगेन मुर्गे जैसे टाइप का लग रहा है मेरे को, कोई बात नहीं। एनीवेज, ये बहुत मेरे को मस्त लगा, ये मेरा मस्त मतलब सबसे बेस्ट ये लगा। एंड देन द नेक्स्ट वन इज हियर, ये जो हमारा आरपी का आउटफिट है गाइस, ये जो मतलब रॉयल पास में मिलता है वो वाला आउटफिट है। सो बहुत मस्त है। एंड दिस वन, ये अनदर आउटफिट है, ये मतलब इसको नाम नहीं पता लेकिन क्या मजेदार है। एंड दिस इज द अनदर वन आउटफिट, जो एक मतलब जो लास्ट टाइम था ऐसा, मतलब समथिंग लाइक दैट। सो ये रहा हमारा एक और आरपी का आउटफिट, जो एक ब्लू डिजाइन में है। एंड ये वाला लास्ट में आता है। एंड दिस इज द अनदर वन, मतलब जो लास्ट में जो चूज करते हैं ना उनमें से। सो ये एक रेड है और मतलब पावर रेंजर्स टाइप का नहीं लग रहा। तो ये रहे हमारे तीनों आरपी के आउटफिट जो मिलने वाले हमको। सो गाइज, एंड लास्ट में ये रहे हमारे दो आउटफिट जिससे हम चूज कर सकते हैं, एक रेड और एक ब्लू वाला। तो मैं तो ऑलवेज ब्लू चूज करूंगा, मेरा लक्की कलर है, कोई नहीं। सो ये रहा हमारा, आपने ये तो पता है वेक्टर का, वही एमवीपी का है, लेकिन कुछ अलग चेंज किया जाएगा। एंड द अनदर वन, ये लास्ट है, बट ये बहुत ही एक स्पेस टाइप का आउटफिट लग रहा है मेरे को, बहुत ही यूनिक लगा ये, बहुत ही मतलब क्या प्यारा लुक दिया इसको। Then we move to the avatar frame. So here in the avatar frame we have the first one, मतलब ये जो mission pass करने में मिलता है। And the another one है वो मतलब ये वाला, हाँ ये वाला हमको मिलता है, शायद RP में मिलेगा, लेकिन बहुत ही मस्त लगा मेरे को ये 13 वाला, मतलब एक HD टाइप से। सो देन वी मूव टू द बेस्ट पार्ट, जो है गन्स का आउटफिट। उसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मचीटी होता है उसका आउटफिट है, ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा मेरे को, मतलब इसको जान दो। द नेक्स्ट वन इज द शॉर्ट गन, मतलब शॉर्ट गन्स को भी भाई डिमांड आ गई, तो देख लो शॉर्ट गन भी मतलब एक टाइप का उनको ये मिल गया, एक प्रिविलेज मिल गया। तो ये भी शॉर्ट गन के मतलब बहुत सारे, मतलब नॉट लिटरली, दो से तीन शॉर्ट गन के निकाले मेरे को, पता नहीं पब्चुअली होक किया गया, बट शॉर्ट गन्स के निकाले, वाह यार, मतलब क्या मतलब करना क्या चाहते, शॉर्ट गन को डिमांड में लाने सकते हैं। देखो मतलब कितने अलग अलग तरह के शॉर्ट गन्स के आउटफिट है। सो अभी ये जो नेक्स्ट वाला है मतलब क्रेजी, ये है स्कारल का, जैसे कि बेबी पिंक नहीं है वैसा लग रहा है। सो मेरे को ये लिटरली नहीं अच्छा लगा मेरे को। देन द नेक्स्ट वन इज यूएफसी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन है, एक गेमिंग टाइप का कॉम्बिनेशन है, बट अच्छा यूएफसी का। देन द नेक्स्ट वन इज स्कॉर्पियन का, स्कॉर्पियन का भी बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा आउटफिट दे रखा है। द नेक्स्ट हमारी जान यार, क्या AKM का जो आउटफिट देखो कितना मस्त है, क्या स्कल का जो मतलब कार्विंग है ना, मतलब क्या मस्ती है। एंड द नेक्स्ट वन इज द वेक्टर, वेक्टर को भी एक गेमिंग टाइप का, जैसे कि अब पुराने जमाने गेम आते हैं ना वैसे टाइप कर दिया, लेकिन अच्छा है,
ओके द नेक्स्ट वन इज अ पिस्तौल। पिस्तौल देखो है छोटा सा आउटफिट बट मस्त, मतलब इतना इम्प्रूवमेंट किया है ना, अच्छी बात है। सो ये M249 का आउटफिट है जो बहुत शानदार है, मतलब अच्छा लग रहा है। ओके देन द वी मूव टू द पैंट्स आउटफिट। द पैंट के अंदर इतना नहीं है फिर भी देख लेते हैं। सो बेसिकली पैंट में तीन है, ये वाला जो ग्रीन ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। द नेक्स्ट वन इज दिस, ये लाइक एक स्कल टाइप का, मतलब एलियन टाइप का कुछ बना हुआ है इस पैंट के ऊपर, मतलब प्लेन पैंट के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज दिस, ये मतलब ब्लैक पैंट के ऊपर ब्लू स्ट्रिप्स विथ सम येलो लाइनअप्स के साथ है। सो द नेक्स्ट वन इज हियर द पैराशूट आउटफिट, मतलब बहुत लोगों की डिमांड थी पैराशूट आउटफिट को दिखाने के लिए, तो ये रहे। एक ये पैराशूट है जिसमें मतलब रॉकेट उड़ता हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्या इस बार चंद्रयान को कुछ करने वाले के। उसने ये ड्रैगन का है, मतलब मेरा सिंबल देख लो, उनको कॉपी किया है, इसको कॉपीराइट डालेंगे, कोई नहीं मजाक कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये है हमारा वर्कर का जो टाइप का लग रहा है, समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लग रहा है ये वाला भी। सो द नेक्स्ट इज द प्लेन आउटफिट। देखो गाइस लिटरली मतलब इन्होंने दिया एक ही है, देखो ये प्लेन का आउटफिट एक ही दिया है, और वो भी मेरे को इतना अच्छा, मतलब इतना, मतलब ऐसे खास नहीं लगा, तो सो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो हियर इज आवर हेलमेट आउटफिट। हेलमेट के अंदर बहुत इस बार क्रिएटिविटी दिखाई है पबजी मोबाइल की टीम ने। सो हियर ये लेवल 1 का हेलमेट है, मतलब बहुत ही क्रिएटिव। एंड मतलब ये जो टेक्सचर देख सकते हो आप ब्लैक के, मतलब ये रेड के ऊपर जो ब्लैक के स्ट्रिप्स एंड उसके सामने मतलब एक रावण टाइप का मुच्छा बच्चा बन लगा दिया, लेकिन बचा। एंड वही लेवल 2 का देखो, उसकी आइज को थोड़ा, मतलब उसके आइज एंड मतलब हर एक पॉइंट को देखो बहुत अच्छी तरह से नोट किया है। एंड ये लेवल 3 को बहुत ही क्रेजी लग रहा है, मतलब इस बार है ना, मतलब दहलका मच जाएगा गाइस मेरी मानो तो। सो द नेक्स्ट वन इज हियर, ये कुछ मेरे को ऑड ऑड लगा, मतलब लेकिन अच्छा, ये लेवल 1 का है वॉलेट के कॉम्बिनेशन में, एंड ये लेवल 2 का है। मेरे को सबसे इन तीनों में से प्यारा लगा, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में। लेवल 3 का मेरे को बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये अलग ही, मतलब एक बे बे मतलब छोटे बच्चों का जैसा कलर लग रहा है मेरे को, कोई नहीं। एनीवेज ये रहा गाइज अनदर, ये एक मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये गेमिंग से टाइप का हो गया ना, मतलब अच्छा है। देखो इसके अंदर मतलब जो क्रिएटिविटी दिखाई पबजी मोबाइल की, मतलब पूरा जान लगा दी है हर चीज़ों में, मतलब इस बार कुछ अच्छा लाने के। ये देखो इस ये लेवल 3 का क्या ओपी लग रहा है आउटफिट यार, क्या मस्त, मतलब माँ कसम कितना मस्त अच्छा है किया। सो गाइज ये रहा अनदर 1, इसका मेरे को लेवल 1 का है एंड लेवल 3 का है, लेवल 2 का मेरे को मिला नहीं एनीवेज, बट इट इज रियली ऑसम। मेरे को मतलब हर हेलमेट की स्किन भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है, मतलब हर चीज में इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन किए ये वाले सीजन में। सो ये रहा अनदर आउटफिट। एंड एक और है हेलमेट का, ये रहा, ये भी मेरे को क्रिएटिव लगा इसका। मेरे को लेवल 2 एंड लेवल 3 का चाहिए, किसी के पास है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये रहा हमारा हेड पोर्ट्रेट, मतलब जो जिस टाइप से अपन आप गिफी ऐसा कुछ भेजते हो ना, मतलब हाँ तो पॉपुलैरिटी भेजते हो, मेरे को वो लगा। या तो एक और चीज़ ये हो सकती है कि वो मतलब पोस्टर्स लगाते हो ना पबजी मोबाइल के अंदर, सो भी है। तो मतलब ये कुछ एंग्री बर्ड का थीम सा लग रहा है मेरे को, देखो एग वैग है, कोल्ड ड्रिंक लग दिया, अच्छा है बट कुछ नहीं। एनीवेज ये भी मस्त लगा कि मतलब भाई लेके भाग रहा है लेवल 3 के हेलमेट को, जैसे कि सारे प्लेयर्स करते हैं। ये रहा देखो भाई, प्रो बंदा आ गया देख लो, हाँ देख लो, इसको इससे ज़्यादा प्रो और हो कौन सकता है, सब लेवल 3 का आइटम रख रखा है। ये हमारा चिकन डिनर का आउट, मतलब पोस्टर कुछ भी है, लेकिन मतलब सब में है ना यार कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिविटी का थी। ये लैम मेरे को पता नहीं क्या है बट मिला, मैंने डाल दिया बस। ओके कोई नहीं एनीवेज। सो ये रहा एक और पोस्टर, मतलब लाल टपक रही है देख देख के, मतलब ड्रॉप को देख के सबकी टपकती है ना, वैसे टपक रही है देख लो। एंड ये रहा मतलब जो एग्जाइटमेंट होता है ना जब जब एक नूब वॉट को मार देता है, हाँ मैंने किल कर लिया। ओके सो एनीवेज वी मूव टू द बैक पैक्स आउटफिट। सो ये रहा हमारा बैक पैक का, मतलब लेवल 1 का बैक पैक है ये। सो इसके मतलब एक वाइट थीम में कुछ क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की विद ब्लू एंड सम फेदर लाइक, जैसे कि मतलब कुछ भी मतलब अच्छा किया है, मतलब गाइज लिटरली बहुत मेहनत की होगी इस बार तो, मतलब सीजन 13 है, मतलब है क्या बट लगा दी अपनी जान। सो ये रहा हमारे क्रेट्स के जो बॉक्सेस होते हैं, मतलब जो नॉर्मल क्रेट्स बॉक्सेस होते हैं, ये रहे, मतलब इसमें भी देखो बहुत ही, मतलब पबजी मोबाइल ने अपनी जान लगा दी, पता नहीं क्या किया है, लेकिन हर चीज़ मेरे को इस बार पबजी मोबाइल की बहुत मतलब
एक तरह के इम्प्रूवमेंट कर रहे हो गाइस। सो ये रहा मतलब हर चीज देख लो आप, एक एक चीज में इन्होंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। मतलब जहां जहां अपना मतलब क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वहां पे कर रहे हैं। मतलब ये तो सबको पता ही होगा, ये शायद आरपी के साथ मिलता है, वो वाला है आइकन बॉक्स है, बॉक्स हो चलो ऐसे दो तीन है। ओके सो नाइस है। एनीवेज एक और है, और दो है, और दो बचे। ओके तो इसमें मेरे को ज़्यादा ऐसे कुछ अच्छा नहीं लगा, बट यार मेहनत किया तो दिखाना ज़रूरी है, कि हर लीक्स आपको दिखाने की ज़रूरी है। सो इसके बाद में ये वाला बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लकी ड्रॉ के आइटम्स, लकी ड्रॉ के आइटम्स। ये आ रहा आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लकी ड्रॉ के आइटम्स। सो ये लकी ड्रॉ के आइटम्स में सबसे पहले हमारे आउटफिट्स देख लो, बंदे के क्या आउटफिट है ये। मतलब लिटरली अगर ये ऐसे आउटफिट आने लग जाए ना तो मैं तो रोज क्रेट ओपनिंग करूँगा रोज। ओ भाई मतलब मस्त, ये क्या मतलब पूरी जान ला दी मतलब बंदे में। और ये है हमारी UMP9 की एक स्किन है, बट दिखनी नहीं है मेरे को, ऐसे ही मिले मैंने ऐसे डाल दी। ओके सो अनदर वन इज हियर, मतलब एक बाल बाल बिखरे हुआ आदमी है। ओके सो ये रहा एक और उसकी साथी, तो उसके साथ टहलती रहती है। सो इसके बाद में गाइस ये है हमारे सब प्लेयर्स की जान आन बान शान M460। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सो ये रही हमारी दूसरी आउटफिट जो M16A4 की, ये भी मस्त है, मतलब अच्छी लग रही है क्योंकि हाईलाइटेड समथिंग है। सो ये गाइस देख पाओगे जान पाओगे क्या है, ये Kar98 की आउटफिट है जो लकी ड्रॉ में मिलने वाली है। मैं तो लूंगा ये, तो फिर से आगे ना गई है ये AKM की आउटफिट, कुछ भी कह लो मस्त क्रिएटिविटी दिखाई है। द नेक्स्ट जो बाकी कुछ आइटम है अदर्स में डाल दिया मैंने, देख लो तो अदर्स में है ये। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि किलर बोर्ड्स, मतलब ये दो किलर बोर्ड्स मिले, एक तो ये वाला, मतलब ज़्यादा मेरे को ये वाला पसंद नहीं आया, जो सेकंड वाला कुछ अच्छा लगा, मतलब कुछ टाइप का मेरे को अच्छा लगा। सो ये दो किलर बोर्ड है एंड द नेक्स्ट वन इज द पीछे का जो वॉरियर होता है, मतलब कंपेनियन होता है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड आने वाला है वो है, एंड द वॉरियर का टेक्सचर जो लगा हुआ है वो, एंड द नेक्स्ट थिंग इज मतलब ये वॉरियर के टेक्सचर के बाद हम देख सकते हैं कि ये ऐसे कुछ टाइप के पुतले देख सकते हो, मतलब सीजन 13 के मतलब बाद में। सो द नेक्स्ट वन ये पीछे का बैकग्राउंड है जो सीजन 13 के अंदर आ सकता है गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। एंड मैं रॉयल पास का भी गिव अवे कर सकता हूँ, सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स फ्रेंड्स को, सब शेयर कर दो एंड स्टे ट्यून्ड। मैं पक्का ट्राई करूंगा 100% की एक रॉयल पास का गिव अवे ला दो या टूर्नामेंट ला दूंगा, उसमें खेल के देख सकते हो। सो ये बेसिकली ये थे सारे मतलब अपने जो भी आउटफिट सब हो गए। तो गाइज आपको ये वीडियो अगर 1% भी अच्छे लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गाइज सबको शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सी यू सून।